हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। बहुत दिनों से बिजी शेड्यूल के चलते और तबीयत खराब हो जाने की वजह से आप लोगों के लिए मैं अपने चैनल पे कोई कंटेंट्स नहीं अवेलेबल करा पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तथा साथ साथ आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जो कोविड-19 के रूप में मानवीय रिस्क पे जो खतरा आया है, इससे हम सबका बचाव बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एज अ गवर्नमेंट और एज अ सोसाइटी हम दोनों स्तर पर फेल हैं। इसके बावजूद भी हमें चाहिए कि हमें अपने मानवीय गुणों को बनाए रखना होगा और साथ साथ जो हमारा दायित्व है समाज के प्रति, हमारी सुरक्षा, उसको कायम करना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाना है हमारी सुरक्षा को लेके, उसको जरूर फॉलो करें, टीका समय पर टीकाकरण करवाएँ तथा अपने और परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है उसे पूरा करें। ठीक है, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हमारे सामने सीडीपीओ प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, 66वीं बीपीएससी मेंस का एग्जाम होगा और बिहार सरकार के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं बिहार के सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे कराए जाएंगे धीरे धीरे। तो इसको लेके आपको चाहिए कि आपकी तैयारी भी बरकरार रहे। ठीक है, छात्राणाम अध्ययन तपः, इस फिलॉसफी को आगे बढ़ते हुए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई जारी रखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में। यह इसकी पहली सीरीज है, इसमें सितंबर 2020 से मार्च 2020 तक के जो भी करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट हुए हैं, या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, सबकी चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं सबको समाहित किया गया है। आने वाले बीपीएससी सीडीपीओ 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 67वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी मेंस और बिहार के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है, 25 मार्च 2021 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान करी गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह संशोधन अधिनियम जो है चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन करता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य है महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजननिक और मानवीय सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना। पहले यह अलाउ नहीं था लेकिन अब यह इस संशोधन विधेयक के थ्रू अलाउ किया जा चुका है। ठीक है, अगला न्यूज है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के बारे में। इसमें जो है दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च 2021 को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी। ठीक है, इस नए कानून के अनुसार दिल्ली में सरकार का अर्थ अब क्या है, उपराज्यपाल है तथा राज्य की चुनी हुई सरकार को अब कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल से राय लेनी होगी। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि यह कानून, जो नया कानून बना है, दिल्ली के उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार पर प्रधानता प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में देखा गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में तथा एनसीटी दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर और ओरछा के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में ग्वालियर और ओरछा दो की जो कि एमपी में है, एज यू नो मध्य प्रदेश, को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इन्हें शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी न्यूज है कॉर्बेट टाइगर हमारे लिए, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तथा इसके साथ मतलब जो ये सूची जारी की गई है इसमें तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान दिया गया है। अगली न्यूज है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ करने के लिए 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव
शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक वे में भी पूछा जा सकता है डांडी मार्च के बारे में, और जो भी ये करंट डेवलपमेंट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस स्लाइड में हमें जाना है ग्वालियर और ओरछा के बारे में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में और डांडी मार्च के बारे में, ठीक है। अगली न्यूज है पीएसएलवी C-51 से रिलेटेड। पीएसएलवी C-51 द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है, और इस परीक्षण की विशेष प्रक्षेपण की विशेष बात है यह है कि इसके साथ जो है भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्पेस किड्स इंडिया ने भगवत गीता को SD कार्ड में जो है अंतरिक्ष में भेजा है, ठीक है। तो पीएसएलवी C-51 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको पता चल गया। टाइम पत्रिका के बारे में देखते हैं। टाइम पत्रिका ने उभरते 100 नेताओं की सूची जो जारी करती है हर एक साल, उसमें 5 भारतवंशी और भारतीय कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो हैं ऋषि सुनक और ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गड्डे भी शामिल हैं। टाइम पत्रिका ने भीम आर्मी के जो भी चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा गया है कि वह दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए जो है गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं और वे आक्रामक भी हैं। तो ये भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमने इस स्लाइड में जाना पीएसएलवी C-51 और टाइम पत्रिका से रिलेटेड जो भी न्यूज है उसके बारे में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्वर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। किसको? हैदराबाद को, ठीक है। अगली न्यूज है पुगा गांव के बारे में। देखिए लद्दाख के पुगा गांव में ONGC के द्वारा भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में, लद्दाख के पुगा गांव में। अगली न्यूज है महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान के बारे में। इसमें जो है सभी महिला कॉकपिट चालक दल के साथ एयर इंडिया की यह सबसे लंबी सीधी उड़ान 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इसकी कप्तान थी जोया अग्रवाल, ठीक है। तो इसमें हमने जाना ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद के बारे में तथा लद्दाख के पुगा गांव के बारे में तथा महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान के बारे में। अब अगला देख लेते हैं अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। यह मुंबई स्थित थिंक टैंक पूजा फाउंडेशन के द्वारा दिसंबर 2020 में जारी किया गया। इसके अनुसार देश में सुशासन के मामले में शीर्ष राज्य उड़ीसा है, वहीं सूचकांक में मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले स्थान पे हैं, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है, जबकि पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा के यदि पूछे तो कैसे पूछ सकता है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में, ठीक है, महाराष्ट्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, वह किस राज्य को पीछे छोड़ के दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो तमिलनाडु को। ये थोड़ा सा चीज़ों को उलट पुलट के पढ़ना भी आपको आना चाहिए ताकि क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। बिहार को सबसे निचला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, 17वां। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि मेघालय सबसे निचले स्थान पर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले न्यूज में बताया गया है कि उत्तराखंड वन विभाग ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़ में फैले भारत के पहले पॉली नेचर पार्क को जनता को समर्पित किया, ठीक है। गुजरात सरकार ने 19 जनवरी 2021 को ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है कमलम रखने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात सरकार ने कमलम रखा है। देखिए ड्रैगन फ्रूट जो है इसका दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है।
मेघालय के मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत के सबसे लंबी सड़क आर्क ब्रिज बाह्य ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी सड़क आर्क ब्रिज कहाँ है? मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में, ये ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज है, 24 दिसंबर 2020 को भारत के लद्दाख में सूकर भूमि क्षेत्र को देश के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो सोकर भूमि क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख में, इसको देश के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। ठीक है, 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश राशि 3,000 करोड़ रुपये है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस प्रोजेक्ट के विकास में सहयोग देने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान करी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखें। पहला, सबसे बड़ा फ्लोटिंग, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में, किस पे? नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पे बनाया जा रहा है। और इसमें जो भी फाइनेंस इंक्लूड हो रहा है, जो भी फाइनेंस खर्च हो रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक तथा पावर ग्रिड ने मिलकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करी है। अगली न्यूज में बताया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 11 जनवरी 2021 को देश के 146वें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया। इसे MEE रिपोर्ट के नाम से जाना गया है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और रायगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के सैंज और तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भारत के प्रथम 5 राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। तो मी रिपोर्ट किससे संबंधित है, आप इसे ध्यान में रखना। और इसके साथ साथ हमने जाना इस स्लाइड में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत, ये मारमा गोवा पोर्ट जो गोवा में है, इससे जो है 5 जनवरी 2021 को 40वां इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, ये जो है 43 सदस्यों के साथ दक्षिण ध्रुव के लिए रवाना हुआ। तो हाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। भारत बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन जो है 17 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। 1965 के पहले के रेल संपर्कों की पुनर्बहाली की दिशा में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए हल्दीवाड़ी जो कि भारत में है और चिल्हाटी बांग्लादेश में है के बीच पुनः बहाल किए गए नए रेलवे संपर्क का दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, देश में तेंदुओं की संख्या में 62% की वृद्धि दर्ज करी गई है। सबसे अधिक तेंदुए और बाघ की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। तो इस स्लाइड में हमने जाना अंटार्कटिका में जो 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत करी गई है उसके बारे में, और भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीवाड़ी और चिल्हाटी के बीच जो रेलवे सेवा बहाल की गई है उसके बारे में, तथा तेंदुओं की संख्या और बाघों की संख्या के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले लाइन में बताया गया है कि एस्टोनिया और पराग्वे तथा डोमिनिक गणराज्य में भारतीय मिशन के खोले जाने की जो है श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 2020 को जो संपन्न बैठक हुई थी उसमें मंजूरी प्रदान की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि भारत इनमें से किन देशों में अपना जो है मिशन खोल रहा है। ठीक है, तो ये एस्टोनिया है, पराग्वे है और डोमिनिक गणराज्य है, आप इसे ध्यान में रखना। अगले फैक्ट्स में बताया गया है कि बिहार के राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, और बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में एक कांच का पुल 5 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है, यह कांच का पुल। और ऐसा पहला पुल जो है सिक्किम के पैलिंग में पैलिंग स्काई वॉक 2018 जो है पर्यटकों के लिए 2018 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। ठीक है, तो इन दोनों फैक्ट्स में हमने जाना एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिक गणराज्य में भारत जो है अपना राजदूतावास खोल रहा है, और बिहार के राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया गया, ऐसा पहला ग्लास ब्रिज जो है सिक्किम के पैलिंग में पैलिंग स्काई वॉक के नाम से 2018 में पर्यटकों के लिए खोला गया। देश की पहली चालक रहित मेट्रो दिल्ली मेट्रो
मैजेंटा लाइन पर चली। मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी से, जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन के बीच 35 किलोमीटर की रूट पे चलाया गया। ठीक है, अगले फैक्ट्स में बताया गया है कि लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले सिक्किम जो है पहला ऐसा राज्य है। ठीक है, तो ये स्लाइड काफी फैक्ट से भरा हुआ था। आइए देखते हैं अगले फैक्ट्स में बताया गया है कि स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा किसके अनुसार हुआ है? स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार। ठीक है, अगली न्यूज है जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 7वीं आम सभा की बैठक में 2 नए चिड़ियाघर, पहला राजगीर चिड़ियाघर सफारी जो बिहार नालंदा जिले में है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाकउल्लाह खां उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। किसके रूप में? चिड़ियाघर के रूप में। ठीक है, अजनो की हाल ही में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है। 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें हाल ही में विधानसभा का चुनाव जो है संपन्न हुआ है। आप इन 5 राज्यों को ध्यान से देखना, ध्यान में रखिएगा। भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला दुनिया का 4था देश बन गया है। कौन सा देश? 4था देश बन गया है, जबकि अन्य 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तेजी से बढ़ते हुए उपयोग के परिप्रेक्ष्य में इस पर एक मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेज के नाम से इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में 5 से 9 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को देश की आज़ादी की लड़ाई की ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बारे में कि कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 दिसंबर 2020 को भारत के 8वें उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। हमने देखा इसमें मॉस गार्डन के बारे में, मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेज के बारे में, चौरी चौरा कांड के बारे में और 8वें उत्पादन बेसिन जो है बंगाल बेसिन उसके बारे में देखा। अगले स्लाइड में देखते हैं कि भारत का पहला फायर पार्क जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में किया। ठीक है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित पुडुचेरी देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो देश का पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है 100% कौन है? पुडुचेरी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय जो है हरिद्वार के चंडीघाट में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत के पहले टायर पार्क को स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, सिक्किम के डल्ले खुर्शानी विश्व में जो सबसे अधिक तीखी मिर्चियाँ होती हैं उनमें से एक है डल्ले खुर्शानी जो सिक्किम में पाया जाता है। इसे लाल चेरी भी बोलते हैं या लाल हरी मिर्च कहें। यह 3 अक्टूबर 2020 को इसे GI टैग प्रदान किया गया। गुजरात के बनासकंठा में सौंफ और पाटन जिला में जीरा के लिए बायो बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की परियोजना दोसावाड़ा में स्थापित की जा रही है। तो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की परियोजना कहाँ है? दोसावाड़ा, जो कि गुजरात में है। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह डिजिटल होने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि आसन वेटलैंड उत्तराखंड और कावर ताल झील जो बिहार में है, इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। कावर ताल झील जो है इसे कांवर झील भी बोलते हैं, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के लोनार की उल्का झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घोपा में खोला गया है। ये ध्यान में रखना, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, जिसे मेडेस पार्क बोलते हैं, स्थापित किया गया है। एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण 15 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। यह श्रीनगर कारगिल नेशनल हाईवे पे 11,578 फीट की ऊंचाई पर है और यह 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अगले स्लाइड में बताया गया है कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया, माफ कीजिएगा, राष्ट्र को समर्पित किया। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह चैनल मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, ये भी ध्यान में रखना। देश की पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई। ठीक है, भारत सी प्लेन सेवा का मतलब ये हुआ, सी प्लेन का मतलब आपने देखा होगा कई सारी हॉलीवुड की मूवी में कि एक हवाई जहाज होता है, वह पानी में भी उतर सकता है और वहाँ से उड़ान भर सकता है। ठीक है, छोटे प्लेन्स होते हैं, उसी को सी प्लेन सेवा बोलते हैं। ठीक है, भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन 2 नवंबर 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन ने राज्य के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया। तो ये थे राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आने वाले बिहार सरकार के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं बिहार के, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना तथा इसका PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।